दोस्तों इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग एंड क्वालिटी ऑफ दिस मटेरियल यूज। हाय दोस्तों, आज मेरे पास है मसाला कप नूडल्स और दोस्तों इसका हम आज ओवरव्यू और फर्स्ट इंप्रेशन देखने वाले हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है। और दोस्तों सेकेंडली, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वो बेल आइकॉन भी दबाना ना भूले। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू एंड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस कप नूडल्स मसाला। दोस्तों आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ये प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किया है वो टॉप रामेन की कंपनी है, निसिन उन्होंने ही मैन्युफैक्चर किया है। सो ये निसिन का प्रोडक्ट है। पहले बात करते हैं इसके टॉप साइड पर क्या दिया है। टॉप साइड पर इन्होंने लिखा है कप नूडल्स और इसका ट्रेडमार्क भी उनके पास है। देन इन्होंने लिखा है मजेदार मसाला, डिलीशियस मसाला फ्लेवर। सो बेसिकली इसके ये एक मसाला फ्लेवर का नूडल्स है। देन इन्होंने इसकी कुकिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। पहले स्टेप पर उन्होंने लिखा है पुल बैक द लीड हाफ वे एंड फिल द कप विद हॉट वाटर अप टू द इनसाइड लाइन। तो दोस्तों आपको इस लीड को आधा खोलना है, देन इसके अंदर आपको गर्म उबलता पानी डालना है, ये फिल हो जाए उतना। देन क्लोज द लीड एंड वेट फॉर 3 मिनट्स। दोस्तों आपको इस लीड को बंद करना है, आपको 3 मिनट तक रुकना है। और उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है फॉर्क इंसर्ट, फॉर्क इसके अंदर ऑलरेडी है तो आपको उसको बाहर निकलना है। देन रिमूव द लीड, स्टर वेल टू मिक्स इंग्रेडिएंट्स एंड एंजॉय कप नूडल्स। दोस्तों बाद में आपको ये लीड ओपन करना है, देन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्क आपको ये अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जिससे कि इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छी तरीके से उस नूडल्स के साथ मिक्स हो जाएगा। देन इन्होंने दिया है इंजॉय व्हेनेवर वेरेवर। सो इसका मतलब है आप इसको इंजॉय कभी भी कर सकते हो और कहीं पे भी कर सकते हैं। देन इन्होंने यहाँ पर निसिन का लोगो दिया है। एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू, निसिन इज द सेम कंपनी ने इंस्टेंट नूडल्स इन्वेंट किए थे। देन इन्होंने यहाँ पर निसिन का लोगो दिया है। निसिन वही कंपनी है जिन्होंने इंस्टेंट नूडल्स इन्वेंट किए थे। सो इफ यू डोंट नो प्लीज रिमेंबर दिस, निसिन वॉज द फर्स्ट कंपनी टू इन्वेंट इंस्टेंट नूडल्स। ये किधर भी आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए एक जीके है। अभी देखते हैं इस जार के साइड पर इन्होंने क्या दिया है। यहाँ पर सामने की तरफ इन्होंने यहाँ पर फिर से यहाँ पर कप नूडल्स लिखा है और यहाँ पर अगेन इन्होंने लिखा है मजेदार मसाला, डिलीशियस मसाला फ्लेवर। देन इन्होंने इस नूडल्स का इमेज दिया है। बेसिकली ये एक मसाला नूडल्स है और आप इसको इजीली बना सकते हो, क्योंकि आपको इसको गैस पर पकाना भी नहीं है, आपको सिर्फ गर्म पानी करना है और इस जार में डालना है और 3 मिनट या 4 मिनट बाद ये आपको पका हुआ मिल जाएगा। अगर मैं इसको राइट साइड पर थोड़ा सा टर्न करता हूँ तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का लोगो मिलेगा। ग्रीन कलर का लोगो का मतलब है कि ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। देन इन्होंने इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, सर्विंग साइज 55 ग्राम्स। देन अभी हम देखते हैं इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पर 100 ग्राम्स। एनर्जी 466, प्रोटीन 9.30, कार्बोहाइड्रेट 62.70, टोटल शुगर्स 2.50, एडिड शुगर्स 1.39, टोटल फैट 18.60, सैचुरेटेड फैट 9.29, ट्रांस फैट 0.099, कोलेस्ट्रॉल इन टर्म्स ऑफ mg लेस देन 0.10, सोडियम इन mg 1268.68। देन इन्होंने इनका कंज्यूमर केयर के डिटेल्स दिया है, जैसे कि इनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। देन इन्होंने यहाँ पर और भी लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि ये बेसिकली ये इंडिया में सेल कर रहे हैं और इसको मैन्युफैक्चर भी इंडिया में किया है। बेसिकली द पीपल ऑफ इंडिया एंड नॉट फॉर द आउटसाइड, बिकॉज निसिन एक इंडिया की बाहर की कंपनी है, बट इन्होंने इंडिया में अपना एक स्थान बनाया है। देन इन्होंने यहाँ पर लिखा है कप नूडल्स इंडिया, सो आप इनको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। देन आप इनका मैन्युफैक्चरर्स डिटेल भी देख सकते हो।
तो इनको मैन्युफैक्चर किया है इंडोनेशियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और ये मैन्युफैक्चर हुआ है बेंगलुरु कर्नाटका में, और आप इनका FSSAI लाइसेंस नंबर भी देख सकते हो। और साथ ही साथ इन्होंने इनकी जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका भी एड्रेस दिया है, साथ ही साथ उसका भी FSSAI लाइसेंस नंबर भी दिया है। और इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आपको अगर MRP बैच नंबर एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना है तो इसके नीचे दिखना पड़ेगा। सो अभी हम इसको और थोड़ा सा घुमाते हैं और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। सो आप देख सकते हो इसके अंदर है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, उसको हम बोलते हैं मैदा, एडिबल वेजिटेबल ऑयल जिसको हम बोलते हैं पाम ऑयल, डिहाइड्रेटेड पीसीज दैट इज 3.75 और बहुत सारे। आप लोग वीडियो पॉज करके ये सब इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो। देन इन्होंने इसके फिर से कुकिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हमने ऑलरेडी इस जार के ऊपर वो कुकिंग इंस्ट्रक्शन दिए हैं और मैंने आपको ऑलरेडी वो एक्सप्लेन भी किए हैं। अभी हम देखते हैं इसके नीचे क्या दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है एट द बॉटम नेट वेट दैट इज 55 grams। सो इस जार के नीचे इन्होंने इसका MRP दिया है, इसका MRP है 35 rupees 0.64 per gram। देन हम इसका मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर देख सकते हैं। देन इन्होंने इसका पैकेजिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी दी है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है नो फॉग इनसाइड, बट आई एम सरप्राइज बिकॉज यहाँ पर इन्होंने ऊपर की तरफ लिखा है फॉग इनसाइड, सो आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज नाउ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तब मैं देखूँगा कि इसके अंदर फॉग है या नहीं। सो जब मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ तब इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों तो ये था इसका एक ओवरव्यू। अभी बात करते हैं मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। दोस्तों इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग एंड क्वालिटी ऑफ दिस मटेरियल यूज्ड, सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस बिकॉज द कलर्स आर गुड एंड दे आर वाइब्रेंट इनफ टू कैच एनीवन्स अटेंशन। ऑल्सो द मटेरियल ऑफ दिस प्लास्टिक इज ऑल्सो गुड। सेकेंडली इन्होंने जो आर्टवर्क्स वगैरह किए हैं, जैसे कि आर्टवर्क्स पे इन्होंने दिखाया है स्टेप्स वगैरह इसको बनाने का, वो काफ़ी अच्छा है। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द पैकेजिंग कलर्स एंड एवरीथिंग आई एम डेफिनेटली इम्प्रेस। यू गाइस कैन ऑल्सो ट्राई दिस नूडल्स। अगर आपने ऑलरेडी ट्राई भी किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं आने वाले वीडियोस में इसका जल्दी से रिव्यू करने वाला हूँ, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी जाकर मेरे चैनल ट्रेंडी अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियोस लाता रहता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।